गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हम 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक चल चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। शो दैट इफ डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन कुछ और आता है और आंसर आप कुछ और लिख लेते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। शो दैट डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, मान लो ये ए बी सी डी हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है। पहली कंडीशन क्या है कि डायगनल्स इक्वल हैं, गिवन कि हमारे पास जो दो डायगनल्स हैं ए सी एंड बी डी दे आर इक्वल, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी पहली चीज। ओके, दूसरी चीज है आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी या ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी इज इक्वल टू बी डी। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तीसरा है एट राइट एंगल, मतलब ए ओ बी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होंगे, इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना हमें गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो टू प्रूव, देखो क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, चारों साइड्स इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो उसका जस्ट अपोजिट है ये। उसमें देखो ये सारी चीजें हमने प्रूफ करी थी, इसमें ये सारी चीजें गिवन है और ए बी सी डी इज अ स्क्वायर प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करने की सोचते हैं, सबसे पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल, फिगर दूसरा बना लेंगे, नहीं तो पहले वाले पार्ट को इससे देख लीजिए। तीन स्टेप्स में होगा क्वेश्चन, पहले पैरेललोग्राम फिर रोम्बस फिर स्क्वायर। ओके, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, देखो क्या है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओके बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, और तीसरी चीज देखिए ये एंगल, मान लो मैं इसको एंगल वन बोल देता हूँ, इसको एंगल टू बोल देता हूँ, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये ईच 90 है या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कुछ भी लिख सकते हो, दीज आर गिवन या तीनों में गिवन लिख सकते हैं चल जाएगा। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle DOC. किस तरह की congruency हुई? SAS. चाहो तो इन पे marking भी कर सकते हो एक जैसी, ऐसे. Okay? तो पहला काम हमारा हो गया। इसका मतलब हुआ कि angle 3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और angle 4. तो angle 3 is equals to angle 4 by CPCT. बट एंड एक और चीज है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, यहीं पे लिख देता हूं, ए बी इज इक्वल टू डी सी, दिस इज बाय सी पी सी टी। ओके, बट दीज आर, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल हैं, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, जब अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो लाइंस पैरेलल होंगी, देयरफॉर, और कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी, जिनके बीच ये बने हुए हैं, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी, एक चीज ये और एक चीज ये, इससे क्या पता चला, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैंने बताया कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल इन एनी क्वाड्रिलेटरल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। अब हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। दोबारा से मैं वही फिगर बना रहा हूं, देखिए, अच्छा ए बी सी डी, अब हमें इसे रोम्बस प्रूफ करने की कोशिश करनी है और उसके बाद स्क्वायर प्रूफ करेंगे। ओके, तो मैं ये ट्रायंगल्स ले रहा हूं, एक बार ये और एक बार ये, मतलब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। नाउ इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी ए बी, सी ए
बी, देखो क्या है, बी डी और ए सी बराबर हैं, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, दिस इज गिवन। अच्छा दूसरी चीज है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अभी प्रूफ किया ना, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और तीसरी चीज है ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, तो ये क्या है, कॉमन साइड है, ओके, देयरफॉर ट्राइंगल डी ए बी। अभी ये क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं लेकिन जब पेपर में आते हैं तो आपको पता नहीं चलता, डी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी ए बी, तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी है, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस से देखिए, हाँ ट्रिपल एस में आपका ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, देखो कैसे, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, दिस इज बाय सीपीसीटी। एक्चुअली मैं पहले दूसरा काम कर सकता था लेकिन ये भी चल जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू बी हो गया। अब देखिए ए प्लस बी 180 डिग्री होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, आप लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये मालूम है हमें, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 बाय 2, 90, एक एंगल 90 हो गया पैरेललोग्राम, तो अभी तक फिलहाल ये रेक्टेंगल हो गया। अब हम दूसरा काम करते हैं, इसको रोम्बस बनाने की कोशिश करते हैं, देखो सेम वही फिगर है ए बी सी डी, आप तीन फिगर बना के करेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे, सी डी, अब मुझे इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है क्योंकि पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, एक एंगल 90 भी हो गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मुझे ये साइड और ये साइड बराबर करनी है, या ये और ये, ये और ये, या ये फिर ये, एडजेसेंट साइड्स कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स, तो मैं ये ट्राइंगल लूंगा और ये ट्राइंगल लूंगा, ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ ए, ओके, क्या है, सबसे पहले ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ओके, और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, देखो क्या है, अब बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ओके, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ गिवन। दूसरी चीज है ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन, और तीसरी चीज है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी ईच 90, ये गिवन है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ ए। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए किस से, एस ए एस से, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज बाय सी पी सी टी। अब जो पुराने रिजल्ट हैं उनको देखिए, एक तो पैरेललोग्राम प्रूफ किया हुआ है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, एक एंगल 90 भी है, तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो रोम्बस हो गया, रोम्बस में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो स्क्वायर हो गया, देयरफॉर फ्रॉम अबव वी कैन से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके, तो इस तरीके से इसे प्रूफ करेंगे, काफी लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, थैंक यू सो मच।